अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है, मैं आपको 6 ऐसी इजी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो एंटी एजिंग है, यानी कि वक्त के साथ साथ जैसे मेरी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, फ्रेशनेस नहीं रहती, क्योंकि आज का माहौल, आज का इन्वायरमेंट ऐसा है कि हमारी स्किन, हमारी बॉडी, हमारा फूड इतना अच्छा नहीं है जिससे स्किन भी अच्छी नहीं रहती। तो ये एक्सरसाइजेस करने से आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और ये एंटी एजिंग है, और आप मीन्स कि ये 6 इजी एंटी एजिंग एक्सरसाइज है दैट विल मेक यू लिव लॉन्गर, यानी कि आप अपनी हेल्थ, जो आपकी हेल्थ वो ठीक रहेगी और आप लंबी लाइफ गुजार सकते हैं। ओबियसली जिसकी जितनी ज़िंदगी वो उतनी ही गुजारेगा, मगर ये है जितनी ज़िंदगी वो आप हेल्दी और एक्टिव गुजारेंगे, ये नहीं कि आप बीमार हो रहे हैं और आप जो है वो हेल्दी एक्सरसाइज करें और उसके बाद इन एक्सरसाइज के जो हेल्दी एक्सरसाइज को करेंगे तो आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। अब मैं बताती हूँ कि वो कौन सी 6 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप करके अपनी लाइफ जो है वो हेल्दी गुजार सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। इसमें आपने स्लो डाउन इनहेल और एक्सहेल करना है, और उसके बाद जब आप इनहेल एक्सहेल करेंगे, जब आप इनहेल करें तो एटलीस्ट 1 to 2 सेकेंड आपने सांस को होल्ड करना है और उसके बाद आपने एक्सहेल करना है। और इस एक्सरसाइज को आपने 5 to 10 टाइम करना है, या जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है। उसके बाद है सेकेंड एक्सरसाइज, ये एन अदर एक्सरसाइज है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। अब इसमें क्या करना है, जब आप इनहेल करेंगे तो अपने अपने एब्डोमेन को जितना अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं, जितना आप अंदर खींच सकते हैं आपने उतना उसको अंदर की तरफ खींचना है, और उसके बाद जब आप इनहेल करें तो 1 to 2 सेकेंड आपने उसको होल्ड करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको एक्सहेल करना है। इसको भी आप तकरीबन जो है 10 to 15 टाइम, या 10 टाइम या 5 टाइम, आप इसको जितना आपके पास टाइम है आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है वार्म अप एक्सरसाइज, यानी कि बॉडी को आपने वार्म अप करना है। इसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा कार्डियो कर सकते हैं, स्किपिंग हल्की सी कर सकते हैं, या थोड़ा सा कार्डियो की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा वार्म अप हो। उन कार्डियो एक्सरसाइजेस को, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को एटलीस्ट 1 to 2 मिनट आपने करना। उसके बाद है थर्ड एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग योर किडनी एंड बैक। अब इस एक्सरसाइजेस को, ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये साथ साथ शो हो रही हैं कि आपने इसको करना किस तरीके से, अब इसको साथ साथ वॉच करें और मेरी इंस्ट्रक्शन को सुने, और आपने इसको एटलीस्ट इन एक्सरसाइजेस को करना है 10 सेकेंड या 5 टाइम, आप 10 सेकेंड के 5 टाइम में इसको रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी किडनी की स्ट्रेंथनिंग होगी और आपकी बैक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4, स्ट्रेट योर बैक। आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, इसको 10 सेकंड आपने करना है और इसको 5 टाइम आपने रिपीट करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 है स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपने अपने स्ट्रेस को रिलीव करना है, और किस तरीके से करना है ये साथ साथ आपको शो रहा है। इसको भी आप चाहे 1 मिनट करें या 2 मिनट करें या 30 सेकेंड करें या 60 सेकेंड करें, डिपेंड ऑन यू के आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। उसके बाद नंबर 6 एंड लास्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग योर बैक। आपने दोनों हाथों को आपने पुश करना है ऊपर आसमान की तरफ और अपनी बैक जो है बिल्कुल सीधी रखनी है। इस एक्सरसाइज को आपने 5 टाइम्स करना है, 5 दफ़ा आपने इस एक्सरसाइज को करना है। और ये तमाम एक्सरसाइज अगर आपके पास टाइम है 1 घंटा करें, आपके पास टाइम है 2 घंटे करें, अगर ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं तो एटलीस्ट आप इसको, इन एक्सरसाइज को 30 मिनट लाजमी करें। या एंटी एजिंग एक्सरसाइज हैं 6, जिससे आप फ्रेश रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी में अगर कोई पेन है या कोई बीमारी है या कोई भी मसला है या फूड की वजह से, जैसे आजकल का हम जिस तरह का फूड खाते हैं या इंटेक करते हैं जो बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको भी ख़त्म करेगा और आपको हेल्दी रखेगा। इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज और डाइट चार्ट के हवाले से या कोई भी हेल्थ के हवाले से या स्किन के हवाले से गाइडेंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।